नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष चंद्र अग्रवाल सर। डॉक्टर आशीष चंद्र अग्रवाल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के ENT विभाग के इंचार्ज भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले हमारा प्रश्न ये कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आप ENT के इंचार्ज हैं, सीनियर डॉक्टर हैं सर, क्या चीज सर आप कब से यहाँ लोहिया में ज्वाइन किए हैं, क्या चीज अलग देखने को पाते हैं सर लोहिया संस्थान को, एक सर संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। मैंने इस संस्थान को अप्रैल 2017 में ज्वाइन करा था, तो मुझे करीब करीब यहाँ ज्वाइन करे हुए 4 साल को होने वाले हैं। और इस संस्थान की बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक तो ये प्रदेश का और लखनऊ स्टेट का एक टर्शियरी लेवल सेक्टर है जी। इसमें ब्रॉड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं दोनों ही उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही कम अस्पतालों या बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलती है। तो ये इस संस्थान की एक खूबी है जो कि डॉक्टरों और पेशेंट दोनों के लिए लाभदायक है। पेशेंट को एक ही सारा इलाज एक ही जगह मिल जाता है। सर आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, किस तरह के सर केस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में सर आप लोग अक्सर डील करते हैं, ज्यादातर केस आते रहते हैं यहाँ पे सर, किस तरह? हमारे पास बहुत सारे काफी तरह के केसेस आते हैं। जैसे कान की बीमारियों में लें तो कान का बहना, कम सुनाई देना, नाक की बीमारियों में लें तो नाक बंद रहना, छींके आना, नाक से खून आना, नाक में गांठ बन जाती है, पॉलिप, उस तरह के केसेस। ऐसे ही गले के अंदर टॉन्सिल की दिक्कत के साथ आना, या गर्दन में घेंगे की दिक्कत से आना, या लार ग्रंथि में सूजन आ जाना, इस तरह के केसेस काफी आते हैं सर। इस जैसे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ तो सर आप तो जिला अस्पतालों में भी रहते हैं, तो क्या उनसे आप अलग हैं? हायर सेंटर में कब आने की जरूरत है किसी मरीज को सर, क्या बताना चाहेंगे मरीजों को कि किस प्रकार का बीमारी अगर या सिम्टम होने पर उनको तत्काल नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिलना है और वो भी कोशिश करें वो हायर सेंटर पे उनको मिलने की जरूरत पड़ सकती है? आप सही कह रहे हैं कि जिला अस्पतालों में भी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होते हैं, और उनको हायर अस्पतालों में जब उनके लक्षण बहुत सीवियर हो जाए, मान लीजिए कान बह रहा है पर और कुछ ड्रॉप दे दी या खाने की दवाइयां दे दी, उनसे नहीं रुकता, फिर भी नहीं रुक रहा है तो जरूर मिलना चाहिए। यदि उनको लग रहा है कि कोई दिक्कत पहले कान में ही रहती थी पर अब वो कान के आसपास के हिस्सों को भी इन्वॉल्व करने लगी है, जैसे सर में दर्द शुरू हो गया है, चेहरे का टेढ़ापन शुरू हो गया है, या कान में मवाद के साथ साथ कान में खून भी आने लगा है, मवाद के साथ ब्लड भी आ रहा है कान से, तो उनको तुरंत मिलना चाहिए किसी तरह से। हाँ जी, इसी तरह कान का सर पर्दा फट जाना ये तो सर अक्सर देखने को मिलता है कई सारे मरीजों, क्या सर इसका ऑपरेशन ही इलाज है कि दवा से भी सही किया जाए? नहीं, पर्दा फट जाने का इलाज तो ऑपरेशन ही होता है, पर हम शुरू में दवाइयां भी देते हैं और देनी भी चाहिए जिससे कि कान सूख जाए जितना हो सके, और यदि पूरा ना सूख सके तो मवाद की मात्रा जितनी कम से कम हो सके उतना अच्छा है। कई बार बहुत छोटे सुराख होते हैं तो वो कुछ खाने की दवाइयों के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कई बार बिना किसी चीज करे भी ठीक हो जाते हैं, पर इस तरह का हम परसेंटेज देखें तो काफी कम है। ज्यादातर कंडीशंस में सुराख में या और किसी बीमारी या किसी तरह की ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में सीनियर डॉक्टर हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, नाक कान गला रोग विभाग के आप इंचार्ज हैं सर, लगभग सब कुछ सुविधाएं हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में, आप सर एज ए सीनियर डॉक्टर क्या चीज अलग चाहते हैं संस्थान में कुछ अलग होना? जैसे हर चीज तो है सर, कोई भी चीज 100% सही या कंप्लीट तो होता नहीं, अभी क्या चीज ऐसा है कि अभी हमारे संस्थान में उस चीज की जरूरत है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत रेलिवेंट है। एक्चुअली मैंने जब ये डिपार्टमेंट या इस संस्थान को ज्वाइन करा था तो मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने का मौका मिला, तो उसकी वजह से मुझे अपनी ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हुए किसी चीज को कैसे ग्राउंड लेवल से बनाया जाता है। और मैं इसमें काफी हद तक संस्थान प्रशासन की हेल्प से बहुत सक्सेसफुल भी रहा हूँ। आने वाले समय में 2-4 चीजें हैं जो कि और चाहता हूँ कि हमारे संस्थान में स्टार्ट हो, जिससे कि जनरल पॉपुलेशन को इसका हेल्प मिले। उसमें से एक सर्जरी कहलाती है कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी।
कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, मतलब आप ये शासन प्रशासन से आप ये कहना चाहेंगे कि इसका सुविधा होना चाहिए, क्योंकि हायर सेंटर है यहाँ पे, होना जरूरी है रेफरल के साथ। तो ये सर, ये जो आप बता रहे हैं सर्जरी, ये और जगहों पे है, पीजीआई या मेडिकल कॉलेज? जी, पीजीआई मेडिकल कॉलेज में होती है और शासन प्रशासन ने तो हमारी हेल्प करी है जी सर। पर क्योंकि डिपार्टमेंट हमने ग्राउंड लेवल से बनाना शुरू करा था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम सीधे एकदम से बहुत ही कॉम्प्लेक्स या हाई लेवल सर्जरी एकदम डायरेक्ट कर सकते स्टार्टिंग। तो अब हमारे पास पेशेंट की संख्या भी अच्छी हो गई है, पेशेंट को ये अब जो आता है मरीज वो काफी सोच के भी आता है कि नहीं, अगर कि उसको ऑपरेशन की जरूरत है या सर्जरी की जरूरत है तो उसका यहाँ पे संभव है। तो धीरे धीरे अब हमारे उस तरह के पेशेंट्स आने लगे हैं जिनको इस सर्जरी की भी, स्कॉफियर इम्प्लांट की बात करें या एक लैटरल स्कल बेस्ड सर्जरी होती है, कान के अंदर अंदरूनी हिस्से में इनर ईयर में कोई बीमारी हो जाती है उसको, उसका इलाज भी। तो अब हमारे पास धीरे धीरे इस तरह की फैसिलिटीज भी हो रही है, धीरे धीरे उस तरह के मरीज भी जागरूकता बढ़ रही है बाय वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे से सुन के आने लगे हैं। तो मेरी अब नेक्स्ट एफर्ट मेरा यही है कि मैं इन दो तरह की सर्जरी स्टार्ट कर जाऊं संस्थान में। हाँ सर। सर कितनी फैकल्टी आपके साथ काम कर रहे हैं संस्थान में? जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को दिखाना है ईएनटी विभाग में, तो वो कब कब आ सकता है और आप लोगों से इजीली वो मिल सकता है? हम फैकल्टी की बात करें तो एट प्रेजेंट मैं अकेला फैकल्टी मेंबर हूँ इस संस्थान में। मेरे अंडर मेरे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, और उसके अलावा हमारा जो पहले संयुक्त चिकित्सालय था, लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, हॉस्पिटल ब्लॉक जिसको हॉस्पिटल ब्लॉक कहते हैं, जो कि अब संस्थान का हिस्सा है, वहां पे 2 सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी के भी हमारे साथ हैं। अच्छा, वो आपके साथ जी। उसकी वजह से हम लोग 6 दिन अपनी ओपीडी चलाते हैं। 6 दिन? हाँ जी, मतलब सोमवार से शनिवार आ जाए पेशेंट। हाँ। तो वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से मिले। कितने मरीज एक दिन में सर देखे जाते हैं? ऐसा ना हो कि कभी कभी हो जाता है ओपीडी फुल हो गया तो पेशेंट को लौटना पड़ता है, काफी दूर से आते हैं पेशेंट? देखिए आजकल मैं कहूंगा 100 से 125 के संख्या में तो रोज मरीज आ ही रहा है जी सर। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, मरीज बहुत ज्यादा हो जाना एक तरह से अच्छा भी है, पर एक तरह से ये भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग देखें हम उस तरह की क्वालिटी फिर हम कम्प्रोमाइज कर लेते हैं जी सर। हम जिस तसल्ली से एक मरीज को देख पाएंगे, उसको समझा पाएंगे, अपने लेबर ज्यादा है इसका मतलब। हाँ, तो वो नहीं संभव हो पाता कि बहुत भीड़ हो जाती है। तो सर हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या सलाह देंगे मरीजों को, या जो युवा पीढ़ी है जिसको अभी तत्काल बीमारी शुरू हुआ, कोई ऐसा सीवियर ना बनने पाए, वो तत्काल कैसे कैसे अपने कान की सफाई या नाक की सफाई या गले को अपना स्वस्थ रखना, तो सर उसके लिए क्या बताएंगे? ये भी बहुत अहम सवाल है। कान और नाक की सफाई तो अपनी जगह जरूरी है ही, साथ में आजकल की युवा पीढ़ी नशे के पदार्थ बहुत लेने लगी है, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो इस चीज को तत्काल रूप से रोक दें, क्योंकि मैं धीरे धीरे कैंसर बीमारी जो अभी तक एक उम्र के बाद देखने को मिलती थी, अब युवाओं में भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है, जो कि पहले केवल मेल जेंडर में देखने को मिलती थी, अब वो महिलाओं में भी या यंग लड़कियों में भी बहुत देखने को मिल रही है। तो मैं सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यही कहना चाहूंगा कि वो नशे की चीजों से बिल्कुल दूर रहे, और दूसरी तरफ से कैंसर से एकदम से डरे ना, क्योंकि हम लोग कई बार बहुत सारे मरीजों को ऐसे भी देखते हैं जो कि केवल कैंसर के डर से चले जाते हैं, उनको दिक्कत तो कोई भी नहीं होती है पर वो कैंसर के डर से चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की भी ओपीडी में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उनको यही समझाने में बहुत एफर्ट लग जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। सही समय पे अगर सही जगह पहुंच जा रहा है इंसान तो इलाज संभव है और काफी हद तक से संभव। तो सर हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर आशीष चंद्र अग्रवाल सर, ईएनटी के इंचार्ज डॉक्टर राम मनोहरिया विज्ञान संस्थान में। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू।